हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक नए और पूरा का पूरा बेसिक टॉपिक के साथ। आज का बेसिक क्या है? एडिशन। एडिशन कौन सा? चार दो छः और पांच पांच दस वाला नहीं। एडिशन आपने बहुत सीखा होगा, मैं आज बताऊंगा आपको इस तरह का एडिशन, ठीक है? योगफल निकाल, जिसको हम एडिशन कहते हैं। आपने सिंपल एडिशन तो सब सीखा होगा कि पांच पांच दस चार दो छः होता है, ये वाला नहीं। क्या आपको ये एडिशन आता है? अगर आता है तो फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि बताने से मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और आपका भी कुछ नॉलेज इंक्रीज हो जाए। क्योंकि कुछ भी पढ़ने से, अगर हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उससे हमको मेरा नॉलेज इंक्रीज ही होता है, मेरा नॉलेज डिक्रीज नहीं होता है। किसी का भी कोई भी अगर चीज पढ़ रहे हैं, अगर एक सवाल को हम 10 बार बना रहे हैं तो उससे हमारा फायदा ही है, ठीक है? कि ये 2x-3y और 3x+7y है, ये आपका एक सवाल दिया हुआ है। तो मैं इस और सवाल इसको करना क्या है, इसका हमको एडिशन करना है, योगफल निकालना है, जोड़ना है इसको। इसको मैं दो तरीके से जोड़ूंगा, एक जो सिंपल तरीका है सबको आता है और एक तरीका जो मैं वो भी आपको आता होगा, इसे मैं फिर भी बताऊंगा ताकि मुझे भी दोबारा आ जाए बनाने के लिए। देखिए, मैं पहली विधि से, अभी आपका पहली विधि हुई, इसे मैं कैसे बना। देखिए, पहले सवाल को उतार लीजिए, क्योंकि जोड़ना है आपको, ये हो जाएगा 2x-3y जोड़ना है। तो क्या कर देंगे इसको हम, चलिए इसके ब्रैकेट में इसको प्लस कर लेते हैं, 3x+7y, ठीक है? चलिए एक बार इसका ब्रैकेट हम हटा लेते हैं, हो जाएगा 2x-3y+3x+7y। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला जो इसका सजातीय पद है, मतलब कि एक जैसा जो पद है उसको एक जगह कर लेंगे, है ना? जो एक जैसा खंडान है, एक जैसा मिलता है, उसको हम एक जगह पे कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, एक जैसा है और ये एक जैसा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2x+3x एक जगह कर लिया, ठीक है? अब क्या करते हैं हम, इस -3y+7y को एक जगह कर लिया, ठीक है? अब चलिए देखिए, अगर इसमें से अगर हम क्या करें, x अगर बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2+3 बच जाएगा माइनस। इसमें से अगर हम y निकाल लेते क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, इसको कोमल लेके क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कर लेते क्या हो गया, देखिए 3 × 2 = 5, ये हो गया आपका 5x, ठीक है? और यहाँ क्या हो गया, 3 में से 7 गया, कितना बच गया बताइए, +4y, यानी एक विधि आपका ये हो गया, ठीक है? उतना कोमल लेके, कोमल लेने से लंबा पड़ जाता, डायरेक्टली 3 × 2 = 5 होता है, और क्या हो गया, 3 में से 7 गया तो 4 बचा, +4, तो 5x+4y हो गया एक विधि से। ये हो गया आपकी पहली विधि। अब दूसरी विधि क्या है, जो कि बड़ी बहुत आसान है, सबको आता है, ये हो गया आपका, अगर हम करते हैं हो गया 2x-3y और 3x+7y। किसको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो ये आपका ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3 × 5x, ये हो गया आपका 5x+4, ठीक है? ये थी पहली विधि। दूसरी विधि, ये बहुत ही आसान तरीका है, देखिए योगफल निकाले, एडिशन। ये सवाल था 2x-3y और 3x+7y को हमको जोड़ना था, तो पहले उतार लिए हम 2x-3y+3x+7y कर लिए। अब ब्रैकेट हटा दिए, प्लस कैसा यहाँ पे डाल दिए, तो 2x-3y+3x+7y। अब हम क्या किए, जो इसका सजातीय पद, जो एक जैसा पद, उसको एक जगह कर लिए हम। देखिए 2x और 3x को एक जगह कर लिए, तो 3 × 2 कितना होता है, देखिए 2x 3 × 5 होता है, और ये दोनों सेम था, तो -3y+7y, यानी कि 3 में से 7 गया, 7 में से 3 गया, तो 4+4y, ठीक है? तो क्या हो गया, 5x+4y एक हो गया, ये पहली विधि हो गई। अब ये जो सिंपल विधि जो कर सकते हैं आप, तो क्या हो गया, ये आपका ये 3 × 5, ठीक है? और यह क्या बोलते हैं कि या आपको +7 में से -3 गया, तो 4y, ये हो सकता है, ये शायद आपको आता भी होगा, ये भी आता होगा। तो ये आपका रहा योगफल निकालने का तरीका, ठीक है? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।